गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में पटौदी नगरपालिका चेयरमैन के घर पर गोलियां दागने के मामले में गुरुग्राम पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस की फर्रुखनगर क्राइम यूनिट ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पटौदी नगरपालिका के चेयरमैन और शराब कारोबारी के घर बाइक सवार दो आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। एसीपी क्राइम की माने तो बिजनेस में हिस्सेदारी को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। वही मामला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर कौशल चौधरी से जुड़ा होने के चलते क्राइम ब्रांच की टीमें मुस्तैदी से बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों अर्जुन और आकाश को दिल्ली से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्टल, दो मैगजीन और तीन जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस वारदात के बाद वायरल ऑडियो की जांच में भी जुटी है, जिसमें नगर पालिका के चेयरमैन चंद्रभान को पैसे दिए जाने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। दिनांक 11/4 को पटौदी इलाके में मिस्टर चंद्रभान है, जो नगर पालिका के प्रधान हैं, उनके घर पे फायरिंग की गई थी और उनसे शराब के कारोबार में हिस्सेदारी की मांग की गई थी। इसके संबंध में सीसीटीवी में भी दो लड़के साफ उनके घर पे फायर करते हुए दिखाई दिए थे, जिनकी बाद में हमने पहचान करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच फर्रुखनगर ने सब इंस्पेक्टर अमित के नेतृत्व में काम करते हुए, बड़ी मेहनत से काम करते हुए, उनको जो उसमें दोनों लड़के जो शामिल थे जिन्होंने वहाँ घर पे जाके फायरिंग की थी, आकाश और अर्जुन, इन दोनों लड़कों को हमने गिरफ्तार किया है।